अपडेट ऑफ एसपीएन वाला। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इटलीज न्यू प्राइम मिनिस्टर। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम इसमें एक नई चीज के बारे में पढ़ेंगे कि इटली की जो नई प्राइम मिनिस्टर बनी है वो कौन है और क्या उनका बैकग्राउंड है, क्या नहीं। तो चलिए देखते हैं। अगर बात करें इटलीज न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है, तो वो अभी बनी है जॉर्जिया मेलोनी। और इसी के साथ ये जॉर्जिया मेलोनी इटली की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है। तो ये क्वेश्चन इसलिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है कमिंग एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये इटली की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है। तो ये इटली की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। ये इटली की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है। शी वॉज बॉर्न ऑन 15th of January in 1977. She was born on 15th of January in 1997. इनकी पार्टी की अगर बात करें, इनकी पार्टी कौन सी थी, तो अभी इनकी पार्टी थी ब्रदर्स ऑफ इटली। ब्रदर्स ऑफ इटली इनकी अभी पार्टी थी, इनकी पार्टी, इसी पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था और ये बहुत ही ह्यूज मार्जिन के साथ जीत जाती हैं। ब्रदर्स ऑफ इटली इनकी पार्टी का नाम था, इस पार्टी से ही ये खड़ी हुई थी। तो अगर बात करें इस पार्टी की, तो इस पार्टी की फाउंडर भी ये जॉर्जिया मेलोनी है। ये 45 ईयर्स की सबसे यंगेस्ट लीडर भी है, ये 45 ईयर ओल्ड की सबसे यंगेस्ट लीडर भी है वहाँ की, और ब्रदर्स ऑफ इटली की फाउंडर भी है इस पार्टी की। तो इस पार्टी की शुरुआत इन्होंने 2012 से की थी। 2012 से इन्होंने इस पार्टी की शुरुआत की थी। उसके बाद आफ्टर दैट 2014 में ये इसकी चेयरमैन बन गई। ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की इन्होंने जो फॉर्मेशन की थी वो 2012 में की थी। उसके बाद 2014 में ये इसी पार्टी की चेयरमैन भी बन गई और अब इसी पार्टी से ये जीत जाती है और इटली की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। अगर बात करें इन्होंने किसे डिफीट किया है, तो इन्होंने अभी डिफीट किया है मारियो ड्रेगी को। इससे पहले इनके बनने से, जॉर्जिया मेलोनी के बनने से पहले अभी वहां पर मारियो ड्रेगी वहां के प्राइम मिनिस्टर थे। अब उसके बाद जो नए प्राइम मिनिस्टर बनी है वो इनको हराकर जॉर्जिया मेलोनी बनी है। बहुत ह्यूज मार्जिन के साथ इन्होंने इनको हराया है मारियो ड्रेगी को। अगर बात करें तो मेजोरिटी के लिए सिर्फ 104 सीट चाहिए थी। मेजोरिटी की अगर बात करें तो मेजोरिटी के लिए 104 सीट चाहिए थी, जबकि इन्होंने गेट की है 140 सीट्स गेट की है। तो यहाँ पर हमें आइडिया लगा कि मेजोरिटी के लिए जब सीट चाहिए थी तो 104 सीट थी, और जबकि इन्होंने गेट की है तो 114 सीट इन्होंने गेट की है। तो अब जानते हैं थोड़ा सा इटली के बारे में कि इटली क्या है। अब जानते हैं इटली के बारे में। तो अगर बात करें इटली की, तो इटली के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें तो वो थे कैमिलो बेंजो। इटली के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कैमिलो बेंजो थे, और इटली यूरोप कॉन्टिनेंट में लाइज करती है। इटली एक यूरोप कॉन्टिनेंट में लाइज करती है, और इटली की कैपिटल सिटी की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल सिटी रोम है। इटली की कैपिटल सिटी रोम है, और यही अगर इसकी करेंसी की बात करते हैं तो इटली की करेंसी यूरो और इटालियन लीरा भी है। तो आज के लिए रखते हैं बस इतना ही, लेकिन ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से रीड आउट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।